वालेकुम फ्रेंड, एक्सम पेयर के माइनर के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फेज़ वन फेज़ टू के अंदर कितने टोकन मिले हैं, इनको विड्रा किस तरह करना है, तमाम प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपने एक्सम पेयर को ओपन करके यहाँ पे प्ले पे कर देना है क्लिक। जैसे ही प्ले पे क्लिक करेंगे, हो सकता है सिस्टम पे लोड ज़्यादा हो तो आपके पास ओपन ना हो, लेकिन पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से आपने ये डिपॉजिट कर लेना है। आज करीबन 19 डेट है और करीबन आपके पास ये समय लें कि बिल्कुल 19 डेट है और इसी तरह आपके पास 24 डेट तक टाइम है, उससे पहले पहले आपने कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कि एयर ड्रॉप ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ 24 अक्टूबर इसकी लिस्टिंग की डेट है और ये वाले टोकन मुझे मिले हैं जो करीबन 64 लाख बन रहे हैं। इसी तरह अगर इसकी मैं डिटेल को चेक करूं तो फेज़ वन के अंदर जो मुझे मिले हैं वो यहां पे आप देख सकते हैं कि करीबन 62 लाख मिले हैं और इसी तरह यहां पे फेज़ टू के अंदर देखूं तो करीबन 1 लाख से ऊपर मिले हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो टास्क की बेस पर रिवार्ड मिलना था वो तमाम चीज़ें वो भी आपको यहाँ पे शो होंगी कि अगर आपने ब्लम का टास्क किया था तो उससे आपको 6-7 हज़ार टोकन मिले होंगे। इसी तरह अगर आपने एनएफटी को क्लेम किया था तो एनएफटी एक एनएफटी को क्लेम करने के बदले करीबन 69,000 आपसे मैनेज होगा। वो बाद में स्वैपिंग के बाद मिले, वो बात का बात है, लेकिन अभी आपके पास वो मैनेज होगा जिसके पास भी फॉर एग्जाम्पल जितनी एनएफटी थी उस हिसाब से मैनेज होगा बैलेंस। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड देखें, ये जो सेलेक्ट चैरिटी प्रोग्राम है इसको आपने बिल्कुल टच ही नहीं करना। इसका मकसद यह है, फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं क्लिक करके आपको थोड़ा सा बता देता, इसका मतलब यह है कि यहां पे चैरिटी लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल आप ये सेलेक्ट करते हैं चैरिटी तो आपका जितना भी फंड होगा वो चैरिटी में चला जाएगा। और इसी तरह यहां पे सेकंड नंबर पे देखें तो ये इसका सीईओ है टेलीग्राम का, तो अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसको ये चला जाएगा। और इसी तरह थर्ड नंबर वाले को क्लिक करेंगे तो एक्सम पेयर की जो टीम है उनको आपका फंड चला जाएगा। तो इससे बिल्कुल आपने दूर रहना है, यहां पर क्रॉस पे ऊपर क्लिक कर देना है, इसको आपने नजरअंदाज करना है। इसी तरह यहां पर फ्रेंड देखें, विड्रॉवल ऑप्शन अवेलेबल है। बिटगेट एक्सचेंज ने एक ऑफर दी थी लेकिन वो पहली अर्ली स्टेज में खत्म हो गई है, तो अभी आपकी अपनी मर्जी है, ओके एक्सचेंज का करें, बायबिट करें, बिटगेट करें, ईबीआई एक्सचेंज करें या इसी के साथ साथ ऑन चेन करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे फ्रेंड मुख्तलिफ एक्सचेंज अवेलेबल हैं, जो आपको आसान लग गया है, जो आपके पास अवेलेबल है वो ही आपने कर लेनी है। और इसी के साथ साथ ऑन चेन ड्रॉप का ऑप्शन भी है, जो टोन कीपर वॉलेट जैसे हम बोलते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं या इसका जो अपना वॉलेट है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिनांस के रिलेटेड भी अपडेट आ जाए, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, उसका वेट करना है या जो भी करना है, लेकिन प्रोसीजर मैं बिटगेट एक्सचेंज का बता रहा हूँ, बाकी का भी एज इट तमाम का सेम होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बिटगेट पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही बिटगेट पे क्लिक कर दूँ तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास बिटगेट एक्सचेंज अवेलेबल है, तो मैं येस आई हैव इट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बता रहे हैं 18 अक्टूबर है को आपने डिपॉजिट इसका स्टार्ट हुआ और इसी तरह 23 अक्टूबर तक इसमें टाइम है, 23 अक्टूबर तक कर देना है। और इसी के साथ साथ 23 अक्टूबर तक 6 बजे तक इसकी जो कंफर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ साथ 24 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। तो यहां पे आपने बिटगेट की यूआईडी देनी है और इसी तरह नीचे एक्सम पेयर का डिपॉजिट एड्रेस देना है। तो मैं बिटगेट को ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपने बिटगेट वॉलेट में आ चुका हूँ एक्सचेंज पे, सॉरी। तो यहाँ पे आपने 9 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही 9 डॉट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखें आमिर जी के और इसी के साथ साथ यूआईडी देखने को मिल रहा है और जो भी एक्सचेंज हो आपने वो उसका स्टेटस देखना है कि आपका वेरीफाइड होना चाहिए। इसी तरह ये यूआईडी है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी के बाद यहाँ पर फ्रेंड मैं इसको पेस कर देता हूँ और इसी के साथ सेकेंड नंबर पर हमने डिपॉजिट एड्रेस पुट करना है। तो डिपॉजिट एड्रेस के लिए आपने एसेट पे क्लिक करना है, बाकी जो भी एक्सचेंज हो तो उनका भी प्रोसीजर सही होता है। तो यहाँ पे एड फंड का है, बाकी में डिपॉजिट का होगा। यहाँ पे एड फंड पे आपने क्लिक करके डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सर्च बार में आपने लिख देना है, जिस तरह मैं एक्सम पेयर लिख लाऊँ, जैसे मैंने एक्स लिखा है तो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सम पेयर, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक कर दूँ तो ये चीज़ भी आप देख लें कि ये टोन की ब्लॉक चेन पे, तो ये टोन की ब्लॉक चेन आ गई। इसी तरह जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये एड्रेस आपको देखने को मिलता है। और ये चीज़ भी देख लें कि दिस एड्रेस ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सम पेयर, तो यहाँ पर ये आपने कॉपी कर लेना है
और उसके बाद अगेन यहाँ पे एक्स डिपॉजिट एड्रेस की जो जगह है यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। जैसे ही फ्रेंड ये पेस्ट करेंगे उसके बाद नीचे आपको सेव एंड चूज़ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा लग चुका है और इसी तरह ये बाइंड हो चुका है। और यहाँ पे आपको अगेन रीसेट विड्रा का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर आपने अगेन इसको रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड यहाँ पर आपने अपना एड्रेस बाइंड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने अपना एड्रेस बाइंड कर दिया और यहाँ पर देखें बाकी ऑप्शन अभी गैब हो गए। जैसे हमने ये बाइंड किया है तो बाकी ऑप्शन गैब हो गए हैं। यहाँ पर रीसेट विड्रा का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है अगर आपने चूज करना है। तो इस तरह आपने इसमें विड्रावल लगा देना है अपना। बाकी एक्स होल्डर के एक ऑप्शन अवेलेबल है तो ये तमाम चीज़ें भी आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। एक्स यूटिलिटी का ऑप्शन है तो जस्ट अभी ये ऑप्शन है कि आपने करना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो चुकी है, 24 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है और अभी आपने विड्रा लगाना है जिस एक्सचेंज पर भी लगाना चाहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर बाकी एक्स एम्पेयर की जो विड्रा आप ले सकते हैं अभी आपने बिटगेट सेलेक्ट कर लेनी है। ओके एक्स एक्सचेंज अवेलेबल है, बायबिट अवेलेबल है, गेट आईओ का भी ऑप्शन नहीं है लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि आ जाएगा। और अगर आपने बिनांस का वेट करना है तो उसका वेट करना होगा, अभी तक उसके रिलेटेड कोई कंफर्मेशन नहीं आई लेकिन जैसी कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर वो भी आप कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो उम्मीद है कि इसका रिवार्ड हमें नोटकॉइन के बदले या नोटकॉइन से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।